नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा, यहां आकर मैं देख सकता हूं कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ईमानदारी से इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बडौली का बयान, मौजूदा विधायकों की कट सकती है टिकट, नए चेहरों को मिलेगा मौका। जिंद में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, कई घायल, ट्रक के अचानक आगे आने से ड्राइवर ने खोया संतुलन, मची चीख पुकार। हरियाणा में संगठन खड़ा करने में असमर्थ कांग्रेस, विधानसभा चुनाव से पहले जोखिम लेने से बच रही पार्टी, गुटबाजी भरने का डर। हरियाणा में आरएसएस के फीडबैक पर फाइनल होंगे विधानसभा टिकट, डेटा आने पर नामों पर मंथन होगा, कैंडिडेट्स की पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट तैयार। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का तंज, कहा ओपीएस पर झूठ बोल रहे हैं हुड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, किसी एक सरकारी संस्थान का नामकरण होगा नामदेव महाराज के नाम पर। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा, प्रदेश में निकला स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा, जोखिम में डाली लाखों जाने। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा, हिसार में 4000 वर्ग गज में बनेगा फूड हब, शहरवासियों को मिलेगा साफ सुथरा खाना। जेजेपी ने सभी 22 जिलों में जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को सौंपी जिम्मेदारी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर को रिश्वत लेने के मामले में किया गिरफ्तार। रोहतक में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार, अविवाहित बताकर दिया शादी का झांसा, रेप केस में फंसाकर 14 लाख रुपए ठगे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।